हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं दरोगा बीएसएससी, कहने का मतलब वैसे एग्जाम जिसमें जीके पूछे जाते हैं और जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कई के द्वारा कहा गया कि कुछ क्या कीजिए, दरोगा के लिए एडवाइस लीजिए। अब दरोगा के लिए आप मानिए कि 70 to 80 days, कहने का मतलब आप लोगों के पास 70 से 80 days बचा है। और इसमें क्या करेंगे, कैसे हम दरोगा के हर टॉपिक को क्लियर करें जिससे क्या हो, जो एग्जाम में बनते हैं। तो इसी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, कहने का मतलब कि दरोगा से जो भी संबंधित चैप्टर हैं उसको देखेंगे और वो क्या होगा, आगामी एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट हो उसके लिए देखेंगे। जैसे पहला बात हम करते हैं इतिहास का, तो इतिहास से मतलब हिस्ट्री से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा, कहने का मतलब इतिहास, करेंट अफेयर्स और साइंस से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। तो इतिहास को हम लोग 3 parts में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न तो इसमें क्या होता है, एंशियंट में तो पढ़ने के लिए एकदम समझिए तो 1-2 साल पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए अगर देखेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो इंपॉर्टेंट साइट हैं इसके बारे में देखेंगे। कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब क्या है, क्या पहला टॉपिक बोले, सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट साइट के बारे में। इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, जो है वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में आप लोग को जैसा पता होगा कि यहां हम नाम लिखें सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो वाईवी से सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी क्यों, क्योंकि अधिकांशतः जो प्रारंभ में स्थल मिले थे ये सिंधु नदी के किनारे मिले थे, और हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट था जिसे खोदा गया था, तो इस कारण से हड़प्पा। और वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल की जानकारी जो 4 वेद हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से उससे जानकारी मिलता है। अब यहाँ वैदिक काल को भी 2 parts में डिवाइड करते हैं, एक को क्या कहते हैं अर्ली वैदिक काल और एक को क्या कहते हैं लेटर वैदिक काल। कहने का मतलब कि वैदिक काल के बारे में जानकारी किससे मिलता है, वेद से। जो अर्ली वैदिक काल है इसके बारे में केवल ऋग्वेद से जानकारी मिलता है, और लेटर वैदिक काल से के बारे में जो भी 3 वेद है, मतलब यजुर्, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, ये सारे से जानकारी मिलता है। ये क्या हो गया दूसरा टॉपिक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा टॉपिक जो है, और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, महाजनपद के बारे में। क्या महाजनपद, और महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। जैसे कोसल सबसे मजबूत कौन था, तो मगध, और सारा कौन था, तो अस्मक देखेंगे, कुरु देखेंगे, पंचाल देखेंगे। कहने का मतलब कि महाजनपद जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पता लगेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कीजिए, P/Q सॉल्व कीजिए, मतलब पीछे पूछे गया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जिससे आप लोग को पता लगेगा। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो एक एक साइट कम से कम 50 sites हैं, सबके बारे में कितना पढ़ेंगे, लेकिन अब सुत्ता गेंडोर पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, राखीगढ़ी पढ़ेंगे, मेहरगढ़ पढ़ेंगे, मोहनजोदारो पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे आगे पढ़ेंगे तो सबसे आगे पढ़ेंगे मगध के बारे में, मतलब मगध यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। महाजनपद में कई महाजनपद, मतलब बताएं आपको जैसा कि टोटल 16 महाजनपद थे, लेकिन सबसे धीरे धीरे मेट्रोमालियन अलायंस, कहने का मतलब किसी से युद्ध करेगा, किसी से क्या वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध के राजा सारे जो महाजनपद थे उसको एक करते जाते हैं और मगध बनता है। अब मगध में जब आइएगा तो सबसे पहले क्या, मतलब
हम लोग जैसे पढ़ेंगे बिंबिसार, अजात शत्रु, मतलब हर एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हर एक डायनेस्टी, और इसका केवल क्रोनोलॉजी। जैसे इतिहास जब पढ़ेगा तो इतिहास के 5 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे आगे राजा, राजा के बारे में बाद, उसका आर्थिक स्थिति कैसा था, राजा कोई भी राजा का प्रशासन कैसा था, मतलब प्रशासन से भी वन लाइनर टाइप में अब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसका सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसा था राजा का, और आर्ट एंड कल्चर, कहने का मतलब कि आर्ट का डेवलपमेंट इनके टाइम में कितना था। इतना ही टॉपिक पढ़िएगा हिस्ट्री का कोई भी, इसी पे समझ लीजिए कि जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है और उसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी, वैसे ही इतिहास के कोई टॉपिक ऐसे रखिएगा और इतना चीज पढ़ लिए वो टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो पांचवा क्या देखें, जिसमें हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, छठा टॉपिक, और इसमें हम लोग देखेंगे मौर और नंद। इससे मौर से पहले क्या देखेंगे, नंद के बारे में देखेंगे, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि महापद्मनंद नंदा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करता है, स्थापना करता है, लेकिन इसका राजा जिसका नाम था क्या, घनानंद, और वो क्या करता है, एक ब्राह्मण जो तक्षशिला के ब्राह्मण थे जिनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल के नाम से जानते हैं, तो उनका क्या कर देता है, बेइज्जती करता है, और उसके बाद एक प्रण लेते हैं कि हम तो क्या करेंगे, मगधा को समाप्त करेंगे। और इसी के लिए क्या होता है, मौर्य नामक एक, मतलब समझिए कि चंद्रगुप्त नामक मौर्य का बेटा मौर्य, और इसी में कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि कई बच्चे हैं और वो क्या खेल रहे हैं, राजकीलम, मतलब गिल्ली डंडा को कहा जाता था, और उसी में ये क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और इसी के लिए लाते हैं, और फिर क्या करते हैं, सिकंदर की सेना में भेजते हैं, और तब जब एकदम मजबूत होता है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिकंदर के बारे में भी देखेंगे, और इसके बीच में हम लोग सिकंदर से पहले कुछ और डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, मौर्य डायनेस्टी का भी पतन। जैसे मौर्य में मूलतः क्या देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, और किसके बारे में, अशोका के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसका जो लास्ट होता है, जो बृहदत्त को 185 बीसी में हराते हैं, कौन, पुष्मित्र सुंग, और सुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, तो सुंग देखेंगे। उसके बाद सातवाहन देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बीच में केवल आएंगे जो इन्वेडर थे, कहने का मतलब अलग अलग जगह से लोग आते हैं उनके बारे में, और फिर क्या देखेंगे, एक लास्ट कनिष्का के बारे में देखेंगे, कनिष्क मतलब कुषाण डायनेस्टी के बारे में, और कुषाण ही क्या है, मतलब गोल्ड का क्वाइन चलाते हैं, और उसके बाद नौमा क्या देखेंगे, गुप्ता के बारे में, और गुप्ता के बाद डायरेक्ट गुप्तोत्तर, कहने का मतलब हम लोग किसका, हर्षवर्धन देखेंगे। और ये समझिए ना कि ऐसा नहीं ना कि एकदम सब में डूब डूब के पढ़ना है, ये कितना, ये टोटल 10 टॉपिक है, और ये एंशियंट हिस्ट्री का इनफ, मोर देन इनफ है, कहने का मतलब इतना ही से क्वेश्चन बनता है। जब आप मेडाइवल हिस्ट्री में आइएगा, मेडिवल हिस्ट्री, तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग आप कीजिए तो इम्बैडर मतलब आक्रमणकारी के बारे में, गजनी, गौरी, फिर किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़िए, इल्तुतमिश के बारे में पढ़िए, किसके बारे में, फिर बलबन के बारे में पढ़िए, उसके बाद किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़िए, और क्या आगे पढ़िए, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़िए, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम लोग मुगल डायनेस्टी में आएंगे, और मुगल डायनेस्टी में आप क्या पढ़िए, अकबर तो एकदम सबसे अच्छे से पढ़िए, मनसबदारी व्यवस्था क्या था, दीने इलाही क्या था, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और एक और जो फिरोज शाह तुगलक, इसे क्या सन की बादशाह या पागल सुल्तान भी कह दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो भी फैसला लेता था, दिल्ली से देवगिरी कैपिटल लेके चला जाना, सारा फैसला बेचारा का गलत हो जाता है। ये कितना तक, मेडिवल तक, यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब हम क्या आएंगे, मॉडर्न इंडिया में आएंगे, तो मॉडर्न इंडिया में पहला ही देखेंगे यूरोपियों का आगमन, क्या देखेंगे, यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन में कई टॉपिक है, जैसे यहाँ कौन आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं, कहने का मतलब कि जिसको हम लोग EIC कहते हैं, कौन आते हैं, और डच आते हैं, डैनिश आते हैं, पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाली आते हैं, सबसे आगे तो पुर्तगाली आते हैं, 1498 में कौन, वास्को डी गामा आता है, कहाँ,
कालीकट केरल में, और वहाँ राजा को जमोरिन नाम का उपाधि दिया जाता था। तो वही जमोरिन नामक राजा वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसे कितना का फायदा हो जाता है, 60 के मल्टीपल में, और जिसके कारण सारे कंपनी, जैसे आप जब जानिएगा कि ये यूरोपियो कंपनी भारत में आ ही क्यों रहे थे, मतलब क्यों आते थे, जैसे कई रीजन था। पहला रीजन था कि वहाँ क्या हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, मतलब औद्योगिकरण हो चुका था। और क्या हुआ था, 1458 में आप लोग पढ़िएगा, 1458 में क्या होता है, क्रूसाडो हो जाता है, मतलब धर्म युद्ध हो जाता है। और इसके बाद से, कहने का मतलब, ईसाई धर्म के जो लोग होते थे इनको पोप क्या करते थे, लिख के देते थे कि तुम तो विजेता हो, तुमको बीच में कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन इस्लाम के द्वारा इनको हरा दिया जाता है 1453 में। और इसके बाद से क्या होता है, ईसाई वाले, मतलब वहाँ नाम सुनिएगा एक चीज का, रेनेसा, मतलब पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण का मतलब होता है क्या, फिर से जागना। कहने का मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, खोज में निकल पाते हैं। और कहीं देखिएगा, अमेरिका का खोज, भारत की खोज, अलग अलग जगहों की खोज किया जाता है। एक इसकी कहानी पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तरोत्तर मुगल। और उत्तरोत्तर मुगल में क्या पढ़ेंगे, जैसे फर्रुक सियर के बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में, और क्या पढ़ेंगे, अकबर द्वितीय के बारे में, जो राजा राम को क्या, मतलब मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिस्टल भेजता है, वही उनकी डेथ हो जाती है। किसके लिए, तो पेंशन बढ़वाने के लिए, बहादुर शाह जफर के बारे में। और देन आफ्टर आएंगे कहां, 1857 की क्रांति, और जिसमें क्या होता है, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इसके बाद से क्या देखेंगे, स्वायत्त राष्ट्र, मतलब बंगाल, क्या देखेंगे, बंगाल। उसके बाद क्या देखेंगे, हैदराबाद। हैदराबाद में क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। उसके बाद क्या देखेंगे, मैसूर देखेंगे। कौन देखेंगे, सिख देखेंगे। ये सब क्या होता है, जैसे बंगाल, सबसे आगे कर्नाटक बार होता है, कर्नाटक का तीन तीन युद्ध होता है। और उसके बाद कहा जाता है, मतलब मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुप्ले, जिस जो चाबी साउथ इंडिया में नहीं खोज पाया, उसको क्या करता है, कॉर्नवालिस बंगाल में खोज लेता है। कहने का मतलब, बंगाल आप लोग देखिएगा तो इस तरफ जब आइएगा तो यहाँ क्या है, सी के किनारे, बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है, व्यापार से इम्पोर्टेंट था और एग्रीकल्चर ये सब का। तो यही देखेंगे कि सिराजुद्दौला से क्या होगा, 1757 में प्लासी बार होगा। देन आफ्टर भारत के तीन गुट मिलके 1764 में क्या होगा, 1764 में बक्सर बार, और इसी के तहत 1765 में कौन सा, इलाहाबाद की संधि होता है। और इसी इलाहाबाद की संधि में क्या कहा जाता है कि अब क्या चलेगा, द्वैध शासन। और भारत में 1765 से लेके 1772 के बीच में डायार्की चलता है, द्वैध शासन। द्वैध शासन किसको कहते हैं, दो, एक बार में दो दो शासन चल रहा होता है, एक के पास फाइनेंस और एक के पास एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब, एक वित्त लेता हो, टैक्स लेता हो, और एक प्रशासन चलाता हो। तो भारत को, भारतीय राजा को क्या कह दिया गया कि आप क्या चलाइए, प्रशासन चलाइए, और हम क्या लेंगे, किसके द्वारा कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिसके कारण कहा जाता है कि एक क्या है, एक के पास पैसा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पैसा नहीं। भारतीय के पास क्या था, रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था कि आप प्रशासन चलाइए, लेकिन पैसा था ही नहीं। आगे क्या देखेंगे, जब ये राज समाप्त होगा, मतलब पूरे राज के बारे में, तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, 1773 से लेके 1773, 1784, 1813, 1833, 1854, उसके बाद 1858, 1892, 1909, मतलब मार्लेमिंटो, 1919, और उसके बाद देखेंगे 1935।
इतना एक्ट देखेंगे। और ये एक्ट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के नींव कब रखा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है, और यही सब भारत के स्रोत हैं, संविधान बनने के सोर्स हैं। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो अब एक साथ आप लोग पढ़िए किसको, वायसराय, वायसराय और इसका जो काम है, एक साथ पढ़ते जाइए। और इससे जब आगे बढ़ेंगे 1858 के बाद, तो हम लोग क्या देखेंगे, जनजाति आंदोलन। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, जितना हम लोग को इफेक्ट, मतलब जो इधर वाले प्लेन एरिया वाले लोग को कर रहे थे, जनजाति से क्या, जनजाति को वन से अपना अच्छा रिलेशन होता है, वो लोग उसी पे आश्रित, कहने का मतलब उसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज तो अब कमर्शियलाइजेशन लाना चाहते हैं, कहने का मतलब वैसे फसल उगाने के लिए बाध्य कर रहे थे जैसे कपास, कॉटन। लेकिन ये लोग क्या, इसके लिए क्या किया गया, प्लांट सब काटा गया। और क्यों प्लांट काटा गया था, जैसे रेलवे ला दिया गया। कब रेलवे लाया गया, 1853 में भारत में पहली बार, और इंग्लैंड में भी 18th शताब्दी में लाया गया। और इसके कारण क्या हुआ, अब क्या चाहिए, लकड़ी है सब, और लकड़ी किससे मिलेगा, तो एकदम सीधा प्लांट, बड़ा बड़ा प्लांट होगा। और इसके लिए क्या, मतलब वो मानव निर्मित जंगल का निर्माण करना चाहते थे, और जिसके कारण वो जंगल को बेच देते हैं। और जैसे आप लोग देखिएगा, मुंडा, संथाल, हो, उसके बाद ताना भगत, ये सब के द्वारा क्या किया जाता है, जनजाति आंदोलन करवाया जाता है। और उसके बाद भारत में कुछ इलाइट क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे। और जिसमें क्या होता है, 1800 देखेंगे कि 85 में क्या किया जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट, मतलब स्थापना किया जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही जो भी इसका इंपॉर्टेंट रहे, कब जनगण माना गया, कब वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, 1905 में पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल को दो हिस्से में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांट दिया गया। लेकिन फिर से 1911 में जब दिल्ली दरबार, मतलब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जब आते हैं, दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, 1912 में बिहार का निर्माण होता है। आगे देखेंगे कि ओडिशा और बिहार को 1936 में अलग कर दिया जाता है। कहने का मतलब, अब कांग्रेस की स्थापना पढ़िए और उसके बाद आप क्या पढ़िए, कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद तीसरा टॉपिक के रूप में आप गांधी युग पढ़ लीजिए। और गांधी युग कब से स्टार्ट होगा, 1915 से। क्यों, 9 जनवरी 1915 में को गांधी जी का कहां से, साउथ अफ्रीका से भारत आगमन होता है, और इसी कारण 9 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में। और गांधी जी के बारे में, गांधी जी के तीन बड़े आंदोलन, सविनय अवज्ञा, फिर क्या देखेंगे, और क्या मतलब सविनय अवज्ञा देखेंगे, उसके बाद एक देखेंगे असहयोग आंदोलन, और करो और मरो, मतलब भारत छोड़ो, ये गांधी जी का। और इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व, कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, कहने का मतलब इस सारा जो टॉपिक जो बताएं, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कुछ मिशन आते हैं, जैसे साइमन कमीशन, उसके बाद 1909 ही पढ़ेंगे जिसको हम लोग मार्ले मिंटो कहते हैं। तो मार्ले को क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिक राजनीति का जनक कहा जाता है। तो ये हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जिससे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे, मॉडर्न इंडिया से करवाया जाता है। तो हाँ, आप लोग के लिए क्या हेल्प मेरे तरफ से रहेगा, मॉडर्न इंडिया का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक दिन में कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, कांग्रेस के प्रथम जैसे WC बनर्जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष एओह्यूम, क्यों एओह्यूम कांग्रेस का स्थापना किए थे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि BPSC 69 में क्या पूछा गया था कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। कहने का मतलब कि एक अंग्रेज के द्वारा, मतलब बुक लिखा गया था, जिसमें क्या बताया गया था कि अंग्रेज क्या
कांग्रेस की स्थापना इसलिए किए थे ताकि आगे 1857 जैसा कोई क्रांति नहीं हो जाए। तो हिस्ट्री से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको आप कीजिए, कोई भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहीं पे ये वीडियो लास्ट होता है, आप जरूरी ये सारे टॉपिक को फॉलो करें जिससे क्या होगा, कोई भी एग्जाम आपका हो क्लियर होगा। थैंक यू।